का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ राजीव गांधी के दौरे चुनाव अभी लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। आशीष जी, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन की बात चल रही है। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।